शराब के नशे में धुत बड़े भाई ने छोटे भाई को पैसों के लिए उतारा मौत के घाट। मलाड मालवानी की वारदात। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। मुमरा के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है? चलिए संवाददाता के पास। हेलो हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को? तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मलाड मालवानी में स्थित साई दर्शन सोसाइटी में रहने वाले दो सगे भाई, जो कि रात करीब 29 दिसंबर के 3 बजे शराब पी रहे थे, और इसी शराब के नशे में धुत बड़े भाई और छोटे भाई के बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने जो है बुरी तरीके से छोटे भाई को पीटा, जिसमें जो छोटा भाई है 43 वर्षीय जॉय जॉन पावल, उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जो इसमें विंसी गैलब्रिट रॉड्रिक्स है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि साई दर्शन सोसाइटी के चौल नंबर 2 में जो मृतक जॉय है वो रहता था, और उसी सोसाइटी के 9 नंबर मकान पे उसका भाई विंसी गैलब्रिट रॉड्रिक्स रहता था। अब ये विंसी का कुछ पैसों को लेकर अक्सर जो है छोटे भाई से विवाद होता था, और यही विवाद 29 तारीख की रात में इस तरीके से बढ़ गया कि नशे में धुत बड़े भाई विंसी ने जो है जॉय की बुरी तरीके से मार कर जो है अधमरा किया, और अधमरा करने के बाद वहां उसे छोड़ दिया, और उसके बाद कंट्रोल में पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक बेहोशी की हालत में एक युवक का जो शरीर है वो पड़ा मिला है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और मौके पर शताब्दी अस्पताल में उपचार के लिए जॉय को भेजती है। जॉय को अस्पताल में भेजने के बाद इलाज से पहले ही डॉक्टरों द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मालवानी पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत 302 का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामला को लेकर गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने क्या जानकारी दी। सवेरे 9:30-10 बजे के आजू बाजू में हमें कॉल रिसीव हुआ कि कोई मालवानी चर्च के पीछे एक इसम जख्मी अवस्था में गिरा हुआ है। उसी के हिसाब से, वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा टीम वहाँ पे गया, तो उन्होंने पाया कि घर में एक कोई जॉय जॉन नाम का बंदा 43 साल का मयत हुआ है। तो तुरंत हमने वहाँ पे देखा, आजू बाजू में इंक्वायरी किया, तो आजू बाजू के लोगों ने बताया कि रात को दोनों भाई जॉय और जोस उन्होंने झगड़ा किया था और उनको आपस में मारामारी हो रही थी। तो उसी टाइम वो जो छोटा वाला था जो गिर गया, उसके सर में मार लगा था और उसका बाहर खून भी पड़ा था, तो वो अंदर जाके फिर उनकी उसी मारामारी में उसकी डेथ हुई रहेगी, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट दिया। तो वो हिसाब से बाजू वाले का कंप्लेंट लेके हमने खून का गुना दाखिल किया है, और दाखिल करने के बाद में बॉडी ताबे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केस रजिस्टर करने के बाद में उसका बड़ा भाई जो जोश, उसको अरेस्ट करके आज उसको रिमांड के लिए कोर्ट में भेजा है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।